Hello students, welcome to the English class. Our today's topic is Tansen, the famous singer. बहुत प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं ये. Tansen was the only child of his parents. ये अपने पिता के एकमात्र संतान थे. Only child of his parents. Naughty but talented. शरारती थे परंतु बुद्धिमान थे, talented थे. He imitated the calls of birds and animals perfectly. तो ये पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें नकल कर लेते थे, इमिटेट कर लेते थे परफेक्टली, बहुत अच्छी तरीके से. वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. एक टाइगर की तरह, चीते की तरह दहाड़ मारकर इन्होंने एक बार कोशिश की यात्रियों के ग्रुप को फ्राइटन करने की, डराने की. फ्राइटन मीन्स डराना. आइए आगे चलते हैं. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने शायद सुना होगा ये नाम Tansen का. May have heard, possibility, conditional third. Greatest singer, greatest here, the superlative degree of the adjective great, great, greater, greatest. महान, greatest musician, संगीतकार जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किया है, हमारी कंट्री में उत्पन्न हुआ है. अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर. इनके पिताजी का नाम है मुकंदन मिश्रा, ये और इनकी पत्नी ये ग्वालियर के पास बेहत में रहते थे. Tansen वॉज देयर ओनली चाइल्ड. Tansen उनका एकमात्र पुत्र था. इट इज सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है कि वो एक नोटी चाइल्ड था, शरारती बच्चा था. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. अक्सर वो भाग जाते थे. रेन अवे, रन अवे की पास्ट फॉर्म, रेन अवे, जंगल में खेलने के लिए. एंड सून लर्न्ड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम होम टू द फॉरेस्ट दैट ही लर्न्ड टू इमिटेट द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इनकी नकल करना वो सीख गए. सो इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट. It is very much important to learn the main aspect about the talent of Tansen, that he was able to produce the perfect sound of birds and animals. आगे चलते हैं. ये फॉरेस्ट की पिक्चर है, यहाँ पर Tansen है और यहाँ देखिए ये संगीतकारों की मंडली है. Then a famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक महान प्रसिद्ध संगीतकार, गायक, सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, ये एक बार ट्रेवलिंग कर रहे थे. वाज वंस ट्रेवलिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जंगल से अपने डिसिपल्स के साथ, शिष्यों के साथ. टायर्ड, थके हुए. द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. वो ग्रुप सेटल डाउन, बैठ गया आराम करने के लिए एक शेडी ग्रोव में. शेडी मीन्स छायादार, एडजेक्टिव है. एंड ग्रूव, ग्रूव हियर द ऑर्कार्ड, कुंज, बगीचा, गार्डन, गार्डन आप मान सकते हैं, ऑर्कार्ड इसको बोलते हैं. Tansen saw them, Tansen ने उनको देखा. सी की पास्ट फॉर्म, सा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस. दोस्तों जब कभी मैं बीच में रेफरेंशियल ग्रामर के साथ टेंस के बारे में, वर्ब के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, उसको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करें. ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए. एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर, हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है और हम टेंस के स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को जानते हुए उसको समझें तो हमारे अंदर ग्रास्पिंग होगी, एक्विजिशन होगा लैंग्वेज का, लर्निंग होगी. ध्यान दीजिएगा इन बातों पर जो मैं बीच बीच में ग्रामर के बारे में बोलता हूँ. दिस इज फंक्शनल ग्रामर अलोंग विद द रीडिंग. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अजनबी जंगल में, एक्सक्लेमेटरी साइन. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इनको डराना बड़ा मजा किया होगा. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर. HIDH, ये हाइट जो है HIDE, हाइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है. और दहाड़ा, रोर्ड, रोर की सेकंड फॉर्म, वर्ब के रूप में, एक टाइगर की तरह. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, वो छोटा ग्रुप जो यात्रियों का था वो स्कैटर्ड, बिखर गया, इन फियर, डर में.
बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, परंतु स्वामी हरिदास ने उनको वापिस पास बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, इंपेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर, आज्ञार्थक वाक्य। ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा डेंजरस खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आइए इसको देखते हैं, दिस वन, इस टाइगर को। सडनली वन ऑफ हिज मैन, मैन यहाँ प्लूरल है, जब बहुत सारे लोगों में किसी एक की बात करें तो आगे हमारा सिंगुलर होता है, पीछे प्लूरल होता है। वन ऑफ हिज मैन यानी कि उसके आदमियों में से एक आदमी ने, स्वामी हरिदास के आदमियों में से, सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, उन्होंने देखा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सी की पास्ट फॉर्म, एक छोटे लड़के को छिपते हुए। HIDING, हाइडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉन फाइनाइट्स कहलाता है। बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, मालिक यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है। ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल यह एक शरारती लड़का है, एक शिष्य ने बोला। देन आगे क्या होता है, तानसेन लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स, 11 सालों तक तानसेन ने स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा, शिष्य बन गया वो भी। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस एक संत आदमी, उनके साथ भी वो रुके लंबे समय। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, रानी मृगनयनी ग्वालियर की रानी, उसके कोर्ट में एक लेडी थी जिसका नाम था हुसैनी, उससे उन्होंने शादी की। आगे चलते हैं। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने तानसेन को पनिश नहीं किया। डिड नॉट पनिश, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, तानसेन के पिताजी के पास गए और उनको कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, आपका पुत्र बहुत शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, यह बहुत टैलेंटेड भी है, बुद्धिमान भी है, प्रतिभा है, अत्यधिक प्रतिभा है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। कैन मॉडल का प्रयोग, शोइंग द पॉसिबिलिटीज। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब तानसेन स्वामी हरिदास के साथ गया तब वह 10 साल का था। पॉइंट टू बी नोटेड, ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स, उनके साथ 11 साल रहा। क्या किया, लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, म्यूजिक सीखते हुए रहा 11 साल तक और एक महान गायक बन गया। एट अबाउट दिस टाइम, और इसी समय हिज पेरेंट्स डाइड, उसके पेरेंट्स मर गए। मुकंदन मिश्रास डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, मुकंदन मिश्रा की डाइंग विश, आखिरी तमन्ना, मरती हुई आखिरी इच्छा, वो यह थी कि तानसेन मोहम्मद गौस के पास जाए ग्वालियर में। मोहम्मद गौस वाज़ होली मैन, एक संत आदमी थे, पवित्र आदमी थे, पायस थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, सेंटेंस वेरी बम्बोस्टिक, ध्यान दीजिएगा क्लास 6 स्टूडेंट्स, मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकंदन मिश्रा उनके प्रति, मोहम्मद गौस के प्रति, हिम हियर रेफर्स टू मोहम्मद गौस, उनके प्रति लंबे समय तक समर्पित रहे थे, हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है और पैसिव वॉइस सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आई है, हैड बीन डिवोटेड, और बीच में लॉन्ग जो है, यह लॉन्ग यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, लंबे समय तक। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनको उनके पास जाते भी थे, विजिट करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, ग्वालियर में रहते हुए मोहम्मद गौस के साथ, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन को अक्सर ले जाया गया रानी मृगनयनी के कोर्ट में। पे अटेंशन टूवर्ड्स द सेंटेंस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन, वॉज के बाद टेकन है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है, ऑफन हमारी एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो तानसेन को रानी मृगनयनी के कोर्ट में अक्सर ले जाया गया, कौन ले गया, मोहम्मद गौस ले गए। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और रानी मृगनयनी भी खुद अपने आप में एक महान संगीतकार थी।
देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पे वो मिले और उन्होंने शादी की उस दरबार की एक लेडीज से, हर नेम वाज हुसैनी और उसका नाम था हुसैनी। यहाँ तक हमने जाना, हुसैनी से उन्होंने शादी कर ली। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बनी, डिसिपल बनी। तानसेन और हुसैनी के 5 पुत्र हुए और पांचों के पांचों बहुत संगीतज्ञ थे, संगीतमय थे, वेरी म्यूजिकल थे। आगे चलते हैं। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और अब तक तानसेन बहुत फेमस हो चुके थे। हैड बिकम, हैड यहाँ पर आया है, उसके बाद बिकम आया है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस है। बीच में हमारी फ्रेज कोमा के साथ सेपरेट की गई है टाइम फ्रेज को अंडरस्टूड करवाने के लिए। बाय दिस टाइम, इस समय तक, बन चुके थे, बन गए थे। वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वो राजा अकबर के सामने गाते थे, गाया उन्होंने। सिंग की पास्ट फॉर्म सैंग। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो इतने इम्प्रेस हुए उनसे, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कि उन्होंने जोर दिया, दबाव दिया। इंसिस्टेड, इंसिस्ट की पास्ट फॉर्म इंसिस्टेड, दबाव देना, जोर देना। जोर दिया किस बात पर? तानसेन का जोर दिया कि तानसेन को ज्वाइन कर लेना चाहिए अकबर के कोर्ट को। दोस्तों यहाँ तक हमने जाना, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में तानसेन एक फेवरेट बन गए, सभी के चहेते बन गए, फेवरेट बन गए। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनको कहा गया कि वो राग दीपक गाएं। राग दीपक वो राग होता है जिसमें गाते हुए दीपक जल जाता है। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर वो पावर है। बिकॉज म्यूजिक, दोस्तों, संगीत से नाद उत्पन्न होता है और नाद में ब्रह्म होता है, जो अद्भुत परिवर्तन करवा देता है, चमत्कार करवा देता है, मिराकल करवा देता है। तो राग दीपक गाने के लिए इनको कहा गया। ही वॉज आस्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, तानसेन आस्ट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक। तानसेन ने अपनी डॉटर और उसके फ्रेंड को कहा कि वो गाएं, क्या गाएं? राग मेघ, राग दीपक के बाद, क्योंकि राग दीपक से दीपक ही नहीं जलेगा, सब दूर आग लग जाएगी। तो पहले ही इंसिस्ट कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया अपनी बेटी को कि राग मेघ गाया जाए। टू काउंटरैक्ट, काउंटर एक्ट यानी कि प्रतिरोध का हार करना, द इफेक्ट ऑफ द लेटर, लेटर यहाँ पे LAETER बाद वाले का आया है, यानी कि जो राग दीपक से इफेक्ट हो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए उनको कहा गया कि वो राग मेघ गाएं और काउंटर इफेक्ट से वो सब दूर जलने से बच जाए। इसको आगे देखते हैं दोस्तों। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। आगे क्या होता है और किस तरीके से काउंटर इफेक्ट के साथ राग दीपक के इफेक्ट को राग मेघ से खत्म किया जाता है, वी विल नो अबाउट इट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड ऑल्सो put your comments, your comments are highly solicited for my improvement. Thank you so much, wish you all the best, keep learning, keep rocking.